पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। लगातार आप राजनीति की खबरें भारत लाइव पर या हमारे और माध्यमों पर देखते रहे होंगे, लेकिन आज हम एक विषय पर, ऐसे विषय पर हैं जो राजनीति तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपसे सीधा जुड़ा हुआ है। और ये मामला है जो बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ है। सरकार ने जमीन सर्वे कराने का काम शुरू किया है। 100 साल से ज़्यादा हो गए जमीन का सर्वे कराए हुए। बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आ रही होंगी और उन समस्याओं को हम समय समय पर आपके सामने रख रहे हैं, उसके सुगम तरीके बता रहे हैं। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपको चौंकाएगा। इसलिए चौंकाएगा कि आप ज़मीन के मालिक हैं तो आप कैसे पता कीजिएगा कि हम ज़मीन के मालिक हैं। सारे कागज़ पत्र आपके पास हैं तो ठीक है, अगर नहीं है और सर्वे में आपको फिर से मांगा जा रहा है आपकी वंशावली, आपसे अन्य कागज़, कब से ज़मीन आपके पास है उसका हिसाब किताब, या फिर और कई मामले हैं जहां आप आकर के अटक जाते हैं। वंशावली कैसे बनाएं, घर के परिवार दूर रहते हैं तो कैसे हो। हालांकि सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से इस सारी चीज़ों को मैनेज किया है और आपने देखा होगा कि अब ऑनलाइन भी शुरू हो चुका है। और उसी को और सिंप्लीफाई करने के लिए कि ज़मीन का असली मालिक कौन है, इसको पता लगाने के लिए सरकार ने ज़मीन सर्वे का काम शुरू किया है। इसमें बहुत सारे विवाद हो रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इतना बड़ा विवाद है कि सरकार औंधे मुंह गिर सकती है। 2025 में लोकसभा का चुनाव है और निश्चित रूप से किसी भी मामले को सरकार के रहने जाने और चुनाव से जोड़ करके देखा जाता है। अगर ज़मीन सर्वे का मामला और ये झंझट खत्म करना है तो उसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, हम आज इस विषय पर बात करते हैं। और आपके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कैसे आसानी से अपनी ज़मीन अपने नाम रख सकते हैं। इन सारे विषयों को बात करने के लिए हमारे साथ सुभाष सिंह कुशवाहा जी हैं। इनको आप अक्सर देखते होंगे राजनीतिक चर्चाओं में हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में चूंकि ये कई संगठनों से जुड़े हुए हैं, खास करके किसान संगठन जो इनका है वो भी काफ़ी एक्टिव रहता है, तो ये सारी परिस्थितियाँ और इनके द्वारा जो समझा गया है या जो चीज़ें इनके द्वारा इस बीच में जमीन सर्वे के बीच में जो इनके इनसे होकर के गुजरी हैं, चूँकि आप जानते हैं कि नेता हैं तो निश्चित रूप से इनके पास लोग आते होंगे समस्या लेकर के, और ये जानकार हैं तो और ज़्यादा समस्या आती होगी। तो आज आपके लिए हम स्पेशली इनको बुलाए हैं कि इस लैंड सर्वे, बिहार लैंड सर्वे पर सुभाष जी का मंतव्य क्या है। कई सवाल हैं हमारे पास जिन सवालों का जवाब हम इनसे जानेंगे, और ये ऐसे सवाल हैं जो आपको एकदम बिल्कुल आसान तरीके से, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड हमारी इनकी बातचीत हो रही थी, बहुत आसान तरीके से आपकी ज़मीन आप तक पहुंचाने का जो रास्ता है, कैसे आपका हो जाएगा, वो हम सुभाष जी से बात करेंगे और सुभाष जी के पास उसके क्या रास्ते हैं, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। कई सवाल आपके भी होंगे, कमेंट बॉक्स में यदि आप दीजिएगा तो उस सवालों के जवाब भी हम नेक्स्ट एपिसोड में इनसे पूछेंगे। लेकिन आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले वंशावली से। वंशावली बहुत ज़रूरी है यदि आपको अपनी ज़मीन बचानी है या फिर आपकी संयुक्त ज़मीन है, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको, भारत लाइव में भी आप सब परिवार को स्वागत है। अक्सर हम आपसे राजनीतिक चर्चा करते रहे हैं, कुछ पंचायती राज पर भी हमारी आपके बीच में कभी की चर्चा हुई है, लेकिन आज हम जिस विषय को लेकर के बैठे हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। उस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने का सबसे आसान तरीका बताया जाता है वंशावली है। यदि आपको अपनी ज़मीन चाहिए तो आप वंशावली बनाइए, उसका प्रचार प्रसार अपने पंचायत के अंदर में कीजिए और तब जा करके आप उसको जाकर जमा कीजिए, तो आपकी ज़मीन आपकी हो जाएगी। क्या ये आसान लग रहा है आपको? देखिए, जो वर्तमान परिस्थिति बिहार के अंदर जो बनी है, सरकार ने जो बात कही है जी, उसको ठीक ढंग से सरकार के कर्मचारी गांव तक पहुंचा नहीं रहे हैं जी। सरकार का स्पष्ट है कि वंशावली स्वलिखित होगा जी, स्वयं घोषणा कर देना है, बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन जो इसका सबसे आसान तरीका था वंशावली का, या आगे जो सर्वे के में कठिनाई आ रही है, उसको ग्राम सभा में भी रखने की बात सरकार ने कहा है जी। ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरे देश में पहला राज्य है जहां ग्राम सभा से नीचे जाकर के वार्ड सभा का गठन इन्होंने किया जी, और वार्ड सभा में जो निर्णय होता है वह ग्राम सभा में
संविधान के अनुसार स्वतः पारित हो जाता है। तो वार्ड सभा माने एक वार्ड में 400-500 मतदाता है, यानी 100 से 150 फैमिली है जी। तो 100-150 फैमिली वार्ड सभा में बैठ गए और जो जिसका वंशावली है जी। दस दिन पहले नोटिस में लिख दिया जाएगा कि अपनी अपनी वंशावली लेकर के आ जाइए जी। तो वहां तो वंशावली को पढ़ा जाएगा ना जी। तो कोई अगर छुपा रहा है अपने बहन का नाम, कोई अपने फुआ का नाम छुपा रहा है जी। यानी जब खुली छूट दे दिए तो बेईमानी करने की भी गुंजाइश है। केस मुकदमा तो कल होगा, देखा जाएगा जी, जी, जी। दबंग आदमी है, कौन केस करने आएगा जी। इसलिए सरकार को याद कराना चाह रहे हैं कि सरकार का ही जो किया हुआ है वार्ड सभा जी, अगर वार्ड सभा लगाया जाए, उसको ऑनलाइन किया जाए पारदर्शिता के लिए, उसको वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो जी, जी। और सभी पदाधिकारी वहां मौजूद रहे, सर्वे में जो लगे हुए हैं और जब सब एक एक पढ़ा जाएगा तो वहां सत्यता तो सामने आ जाएगी। आपने बड़ा ही सिंपल कर दिया इस पूरे मामले एक ही दिन में आपका वंशावली को लेकर के लोगों में गलत तरह की भ्रांति है कि कैसे इसको निपटाया जाएगा। एक दिन में वंशावली खत्म हो जाएगा और कोई डर से गलत नहीं बनेगा। अगर मुकदमा होगा तो गांव के सब लोग होगा। बिल्कुल है, आप बड़ा ही इसको सिंपल कर दिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ये मुख्यमंत्री जी का हथियार छुपा हुआ है। अगर अगर वंशावली बना करके आप स्वतः देते हैं, और चूंकि वार्ड में जितने भी लोग हैं वो सब आपके सब बैठे लोग हैं, सब जानते हैं आपको एक दूसरे को, कई पीढ़ियों से आपको जानते हैं, तो निश्चित रूप से ये सबसे आसान तरीका होगा। यदि वार्ड सभा अगर किसी वंशावली को पास कर देती है तो कोई झंझट है ऑटोमेटिकली उसमें सरकार का रिकॉर्ड हो जाएगा और आने वाले सभा वही में लिखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक देश धरती रहेगा वो किताब पढ़ लीजिए, स्पष्ट हो गया किसका क्या वंशावली है जी जी। और ये रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड में हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से वंशावली की समस्या समाप्त हो जाएगी। सुभाष जी, एक और बड़ा मुद्दा है, ये तो आपने बड़ा सिंपल कर दिया कि अगर सरकार इस मुद्दे पर सोचना शुरू करे तो निश्चित रूप से ये और कॉम्प्लिकेशन इसका खत्म होगा। लेकिन एक और है कि पूर्व जमींदारों के द्वारा, राजघरानों के द्वारा जो जमीन पट्टे पर लोगों को दी जाती थी, जिसका बहुत लंबे समय से एक बड़ा ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बातचीत हो रही थी, तो 1996 के बाद से जो सर्वे हुआ उसके बाद से 46 में जब हमारा 1896 में 1946 तक ये सारा सब कुछ परिस्थितियाँ ज्यों की त्यों चलती रही। लेकिन 46 से लेकर के आज़ादी के बाद से 50 तक आपने बताया था कि लगान वगैरह जो कटने का काम था, रसीद कटने का काम था, वो रुका हुआ था, उसको लेकर के भी कैसे आपकी जमीन हो जाएगी, इस बात को लेकर के भी, क्योंकि एक लंबे समय तक 25 सालों तक ये चला था सर्वे का काम, और उसके बाद जो है रजिस्टर 2 का निर्माण किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो देखिए वो कैसे होगा वो हम बताते हैं। 1896 में सर्वे शुरू हुआ जी, जो 1921 तक चला जी, और 1922 में पूरे देश का जो है रजिस्टर्ड एकदम फाइनल करके घोषित कर दिया गया जी। कि यही जमीन है, और उस समय जितने भी राजा थे छोटे जो शासक थे ये सब किसकी कौन जमीन है वो सब स्पष्ट हो गई। और उसके आधार पर जो पूर्ववर्ती सरकार जो थी जी, बहुत से जमींदार थे जो जमीन पट्टे पर दिए, सब लोगों ने पट्टा लिया। लेकिन 1946 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट सरेंडर बोल दी जी, और वापस हो गई, तो 46 के बाद रिवेन्यू कौन लेगा जी, बंद हो गया ना। बिल्कुल, तो जब 47 में आजाद हुआ गवर्नमेंट बन गई जी, भारत की गवर्नमेंट जब बन गई तो 50 में संविधान बना। तो संविधान के बाद में अब हुआ कि अब तो रिवेन्यू लेना है ना, तो उसके लिए उस समय जिसको जिसको पट्टा मिल गया पूर्ववर्ती जमींदारों के द्वारा या राजाओं जिनके पास जो कागज पत्र था उस हिसाब से, तो उसके मिलान करना था जी। तो उसके लिए यहाँ के अंचलाधिकारी जो थे बिहार सरकार ने, श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री थे जी, जी। और उन्होंने पूरे राज्य में डुगडुगी पिटवाया, घुमवाया, प्रचार प्रसार किया कि आप अपना अपना कागज ले आकर के चेक कराइए। तो बुझारत कानून बना जी, और बुझ के सूझ के उसका रजिस्टर उसका रसीद मिलान करके तो रजिस्टर 2 पर दर्ज हुआ। तो रजिस्टर 2 पर दर्ज हो गया, यानी रजिस्टर 1 हुआ जो सर्वे से बना जी, जो 1922 में जब सर्वे हुआ था 1 हुआ
और जो कब्जाधारी के आधार पर या पर्चा से पट्टा से रसीद दिखा करके जिसका जो जमीन था वो बूझ के सूझ के रजिस्टर 2 में दर्ज किया गया, यानी रैयत बिहार सरकार ने 1956 में घोषित कर दिया जी। और 46 से जो रेवेन्यू लेना बंद हो गया था वो 56 में 10 साल का रेवेन्यू एक साथ हम लोग का पूर्वज जो है एक साथ जो है 1956 में दे दिया जी। और 1956 से 2013 तक हम लोग शांतिपूर्वक अपने अपने जमीन पर दखल कब्जा और बेचते रहे किनते रहे। उस जमीन को 10 बार हम लोग बेचे 10 बार खरीदे जी जी। बिहार में उस जमीन को शादी है ब्याह है पूजा है लखराव है सुख है दुख में लोग बेचता ही है जी, जी, जी। तो कितना बेचाया कितना खरीदाया। लेकिन 2013 में अचानक यह मुकदमा जो उस पर में जो पट्टा उट्टा दिया था उसके परिवार का कोई गया केस में, कहीं ना कहीं बिहार सरकार उस केस को लड़ रही थी जी। तो उस केस हार गई बिहार सरकार जी। लेकिन बिहार सरकार से उस समय जो सरकार थी वो अपील में जाना चाहिए था जी। तो ये लोग अपील में प्रशासनिक पदाधिकारियों का भी इसमें खेल है, उस पर हम जाएंगे तो लंबा विषय हो जाएगा जी, जी, जी। तो ये लोग अपील में नहीं गए, लेकिन जनता को क्या पता है, वो तो अपना दखल कब्जा में है ना, वो तो रसीद कटा रहा है। तो 13 से रसीद कटना बंद हो गया, जबकि जितने भी गैरमेजर हुआ खाते मतलब ये ऐसे जमीन का जो पट्टे पर लिया गया था हाँ। और जो या तो जमींदार के द्वारा या फिर राजघरानों के द्वारा मिला था किसी को, तो उसका रसीद कटना बंद हो गया 13 में जी। और उसके बाद से परेशानियां शुरू हो गई। अब आ गया सर्वे जी। तो उस पर जब लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे 61-62 के आसपास में इस पेज को समझ गए कि कुछ गलत हो जाएगा किसानों के साथ, तो उन्होंने एक निर्णय ले लिया यह देख करके कि बहुत सा भी जमीन जो है किसी को नहीं दिया गया बिहार सरकार के पास है, गर्मजुरुआ जमीन है। तो 30 साल वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है कि 30 साल यदि जमीन को जोत आबाद नहीं कीजिएगा तो वह जमीन ऊसर हो जाएगा, यानी उपज नहीं होगा जी। तब उन्होंने एक फैसला कर लिया कि वैसे जमीनों को भूमिगत पर्चा दे दिया जाए। तो 70-71 में बड़े पैमाने पर बिहार में भी भूमिगत पर्चा बांटा गया, हजारों हजार एकड़ बांटा गया, वो सब रद्द हो गया 2001 झटके में। चाहे बिहार सरकार की गैरमजरुआ हो जी, चाहे मालिक गैरमजरुआ हो, पूर्व की सरकार ने जो रिटर्न दिया जी। जैसे हमारा चंपारण में घर है तो बेतिया राज था वहां, कहीं हथुआ राज है गोपालगंज जाइए, तो बेतिया राज ने जो रिटर्न दिया मोतिहारी के कलेक्टर के पास नहीं है जी। मतलब उसका रिकॉर्ड गांव का गांव आग लग गया किसान का जर गया जी। तो ना रिकॉर्ड कलेक्टर के पास है ना गांव में है, आ कुछ लोगों के पास है जिसका रजिस्टर 2 में दर्ज है जी। तो बिहार सरकार का घर में जरुआ हो या मालिक घर में जरुआ हो, मैंने जो पूर्व की सरकार से जो बच गया वो मालिक घर में जरुआ, दोनों का नेचर एक ही होता है, चाहे मालिक घर में जरुआ हो चाहे बिहार सरकार का घर में जरुआ हो। तो वो जमीन भी पर्चा हुआ और पूर्व की सरकार से भी हमको पर्चा मिला, तो ये सब रद्द हो गया। तो अब बताइए कि वो जनता तो कष्ट में है, तो उसका निदान कैसे होगा। तो पहले रजिस्टर 2 को ना पहले मानिएगा कि नहीं मानिएगा, इसलिए सरकार को फैसला कर लेना चाहिए, तब ना सर्वे में चलिएगा। इसलिए यहाँ मुख्यमंत्री जी को पहले इस पर विचार करना चाहिए कि जो रजिस्टर 2 है उसको आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं जी। अगर 56 के बाद में कोई गैरमजरुआ जमीन का बंदोबस्त हुआ है, चाहे भूमिगत पर्चा हुआ हो चाहे वासीगत पर्चा हुआ हो, चाहे रमई राम ने पर्चा दे दिया हो प्रधानमंत्री आवास इंदिरा आवास से घर बन गया रद्द हो गया जी। तो इसका साबित कहाँ होगा, उसी वार्ड सभा में होगा जी। इसका भी कल्याण वही होगा, हमारा जल गया आग लग गया घर में हमारे पास नहीं है, हम गरीब आदमी है सड़ गया गल गया, तो कौन कलेक्टर के हैं जो खतियान है वो भी तो भी नष्ट हो गया नहीं, उसका साक्षात प्रमाण तो वही वार्ड सदस्य वही वार्ड सभा में होगा, वार्ड सभा में होगा, क्योंकि उनको पता है कि जमीन कौन जोत बो रहा था। और 30 वर्ष का जो लाल बहादुर शास्त्री ने कानून बना दिया कि 30 साल जो जमीन को आबाद किया है वो एडवर्स पोजीशन के आधार पर जमाबंदी उसी के नाम से कायम होगी, वह जमाबंदी चाहे बिहार सरकार के नाम पर हो चाहे किसी का हो। तो एक समस्या तो यहाँ भी हो सुभाष जी, जैसे ग्राम सभा में भी इसमें बहुत तरह का खेल हो सकता है। नहीं, उसमें उसको ऑनलाइन करिए ना, उसको पारदर्शी करने के लिए वीडियोग्राफी करिए, प्रशासन वहाँ रखिए, कैसे कोई वहाँ तो आएगी सत्य बात आएगी, दबंगता कहाँ से आ जाएगी, पेपर सब लोग दिखाएगा, रजिस्टर 2 बोलेगा जी। सरकार के पास हो सकता है रिटर्न नहीं हो,
हो सकता है कि किसान के पास नहीं हो, लेकिन यह जमीन कौन जोत रहा है? निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याओं का समाधान एक बार में हो जा रहा है और सभा में जाता है तो। और दूसरे लंबी विषय हो जाएगी, लेकिन और हम बता देते हैं कि अंचल बंटवारा का आदेश करना चाहिए सरकार को जी। कोर्ट फटवाला जब तक नहीं होगा तो कोर्ट फटवाला लंबी प्रक्रिया हो जाती है जी। अंचल बंटवारा से जो फुआ और बहन की जो झंझट है तो कोर्ट फटवाला में आसानी से बात सलट जाएगा। यानी अंचल बंटवारा दे दिए और उसको एक साल का समय दे करके सब लोग अपना अंचल बंटवारा कर ले और उसके आधार पर उसकी जमाबंदी कायम कर दीजिए, सर्वे करा लीजिए, 2 मिनट में हो जाएगा जी। और वार्ड सभा से ही होगा। आप जो बंसावली जी। और पेपर आप जमा करिए और वार्ड सभा में बैठिए और वार्ड सभा में आप डुगडुगी पिटवाइए, जितना प्रचार का प्रक्रिया अपनाना है वहाँ अपनाइए और वहाँ सभी प्रशासनिक पदाधिकारी जो आप लगाए हैं, सर्वे में अमीन है, कानूनगो है, जो दुनिया का जो पदाधिकारी आप लगाए हैं, भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं कम होगा। भ्रष्टाचार तो नामे नहीं लगेगा, कहाँ भाग जाएगा इसको पते नहीं लगेगा जी, जी, वो तो जनते मार के ठीक कर देगा। जब आम लोगों के बीच में बैठिएगा तो पदाधिकारी भी बोलने में सहमेंगे और जो दलाल है समाज के अंदर जी। जो भूमाफिया हैं जी, दबंग है, जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं, वो जब ऑनलाइन होगा और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होगा तो वो भी कांप जाएंगे बोलने से। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई तो रिकॉर्ड में आ जाएगा। आपने 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 तो सारा समस्या का समाधान एक छोटे से बात बगैर वार्ड सभा का निकाल के रख। इस धरती पर कोई नहीं है जो इसको समाधान कर सके, और नहीं तो यही कट मर करके सब लोग जो है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतनी पारदर्शिता रखते हैं, इतने स्वच्छ छवि जो बनाए हुए हैं, अगर वार्ड सभा वो बनाए हुए हैं उसको करना चाहिए, बेदाग निकल जाएंगे और बिहार में सर्वे सफल हो जाएगा। मेरा आज आपको यही कहना। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने सुना कि सुभाष जी ने बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बताया, हालांकि सरकार को भी पता है, सबको पता है पंचायती राज का हमारे देश में क्या महत्व है। ये सभी चीज़ें जान करके आप समझ सकते हैं कि जो पंचायती राज है वो कितना काम का चीज़ है, और वार्ड सभा में अगर इस बिहार लैंड सर्वे को रखा जाए और इस पूरे मामले को उसी के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि ज़मीन का असली मालिक कौन है। क्योंकि वार्ड सदस्यों को पता होता है, वार्ड सभा के लोगों को पता होता है कि ज़मीन पर कौन जोत बो रहा था, किसके परिवार में कितने सदस्य हैं और कौन कौन इसका हिस्सेदार है। ये सारी समस्याओं का समाधान इस तरीके से किया जा सकता है और इसके साथ ही इसमें आपको भ्रष्टाचार से भी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया अगर ऑनलाइन होती है तो सब कुछ साफ साफ हो जाएगा और किसी भी तरह का कोई समस्या भविष्य में नहीं होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, ऐसे ही अन्य विषयों पर भी हम बातचीत आपसे करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।